कुछ भी बोलती हो, हमें बताने दो ना रागिनी। अब तो तुम बता दो, वो बताएगी वो खुशखबरी। तो जो खुशखबरी हम आपको देना चाहते हैं वो ये है कि रागिनी बहुत जल्द आपको चाचा बनाने वाली है और हमें चाची बनाने वाली है, समझे? चाचा चाची, कांग्रेचुलेशन। आप ही अपना अंग्रेजी वाला बधाई ना हमें बाद में देना, लेकिन उससे पहले आप हमारा बात सुनिए। अभी आपको जो है ना घोड़ा बनना है, वो हमारे जो छोटे ठाकुर आ रहे हैं ना उसको बहुत सारा खिलाना है, पढ़ाना है और पूरा घर में दौड़ाना है। हाँ बिल्कुल, अभी आप जो गुटरगु कर रहे थे ना वो कर लीजिए, क्योंकि बाद में जो है ना हम आपका ड्यूटी लगा देंगे ये सब के लिए, तो फिर आपको टाइम ही नहीं मिलेगा ये सब के लिए। हाँ हम जाते हैं, नहीं तो हमको लग रहा है हमें लात पड़ेगी अब जाने के लिए। बाय बाय। काफी फनी है ये। वो थोड़ी ऐसी मजाकिया है। ये छोटे ठाकुर भी थोड़ा सा ध्यान रखो, मैं जो पापा है ना थोड़ा बिजी है, थोड़ा रुको तो सही। अच्छा नहीं करती तो चुपचाप, प्यारा सा बेबी है ना। चुप क्या कर रही हो? अब मिस्टर जी देखो ना, छोटे ठाकुर जो है ना वो आपसे कुछ बात करना चाहते हैं और कब से कह रहे हैं कि पापा के पास ले चलो। अरे वो बात का अनुवाद तो हम कर देंगे ना मिस्टर जी, लेकिन उसके लिए जो है फीस लगेगा। ओ फीस लगेगा? कितना फीस लगेगा? फीस ये है कि आपको छोटे ठाकुर की मम्मी को प्यार से बाहों में लेना होगा। ओके और अब कुछ बोले, कुछ बोले। क्या क्या क्या? अच्छा वी कह रहे हैं कि पापा मम्मा को इतना सारा प्यार करने के लिए थैंक यू। ओके छोटे ठाकुर यू वेलकम, पर अगर तुम्हारे पापा तुम्हारी प्यारी सी मम्मा को प्यार नहीं करते तुम इस दुनिया में कहां से आ जाते? अच्छा पापा सब कुछ मम्मी कुछ नहीं हा? वो ये कह रहे हैं कि पापा आप मम्मी के खातिर नानू को यहाँ लाए, मम्मा को इतना प्यार करते हैं और क्या बोले आप दुनिया के बेस्ट पापा हैं। अच्छा दुनिया के बेस्ट पापा तो हम कौन हैं? हाँ माय मम्मा। अरे मेरे नन्हे मुन्ने ठाकुर, तेरी मम्मी है इतनी प्यारी। बस थोड़ी जिद्दी है और थोड़ी पागल है, लेकिन है दुनिया में सबसे प्यारी। अच्छा ठीक है, छोटे ठाकुर को कहो बाकी की सारी बातें मैं रात को करूंगा। आप मिस्टर जी मिस्टर जी वो तो मुश्किल है, अम्मा जी और पराग को मौसी के यहाँ जाना पड़ा, वो कल गिर पड़ी बेचारी, तो बाबूजी अकेले हैं, अब हमें तो रहना ही पड़ेगा उनका ध्यान रखने के लिए, तो हम सोच रहे हैं कि आज जो है हम बाबूजी के पास सो जाएं। हाँ तुमने खाना खाया क्या? वो खाना लग गया, भूख लगी, नीचे खाना लगा है, खाओगी? हाँ तो आ जाओ मैं जा रहा। थैंक्स, खाना बहुत अच्छा था, आई रियली लव्ड इट। बिसु बाबू कितना निमन अंग्रेजी बोल रहे हैं पुआ ना। एगो बात तो मानना पड़ेगा, तई के दिन में बहुत अच्छा अंग्रेजी सीख गए हैं बिसु बाबू। अब हम तो ही सोच रहे हैं कि अगर हम फिर आ जाएंगे ना तो एकदम ही अंग्रेजी मेम बन के लौटेंगे और उसके बाद तुमको गुड मॉर्निंग गुड नाइट ही कह के उठाएंगे। तुम तो रह नहीं दो दुलारिया। उसे दुलारी हमारा बिसु है ना, ये बचपने से होनहार है। अरे याद है ना भैया आपको का बनाया था बिजली वाला यंत्र, इन्वर्टर? इन्वर्टर बना दिया था, बहुत जल्दी सब कुछ सीख जाता है। उसे दुलारी में भी ना हुनर का कमी नहीं है, अगर एक बार हरा गई ना तो अंग्रेजी का हम कह रहे चीनी जापानी फारसी सब बोलोगी तुम। वो आज मैं एक्चुअली बहुत ज्यादा थक गया हूँ, तो अगर आप में से कोई मुझे मेरा रूम बता दे तो मैं जाके। कहाँ जाने का काम मतबल है, तुम अपना कमरा में जाओगे। सृष्टि बहुरानी बिशु को अपना कमरा में ले जाओ। तो अभिषु मैं
शैंकी, शैंकी चलो आओ। तुम्हें अपना रूम दिखाता हूँ, बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं मेरे पास। ये कैसी मुश्किल घड़ी है हमारी जिंदगी की। हम करें भी तो क्या करें। शिष्टी जी, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। भीष्म जी, खड़ी हो शिष्टी। भरोसा रखिए हम पर। एक, दो, तीन। ठीक हो ना? हम क्या करें रागिनी, हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। सच में सृष्टि, बहुत ही मुश्किल का घड़ी आया तुम्हारे ऊपर, और इस सवाल का जवाब तो किसी के पास भी नहीं। लेकिन हमारे पास एक तरीका है इस दुविधा से निकलने का। सृष्टि, अपना आंख बंद करो और अपने दिल का आवाज सुनो। तुम जानती हो हम इस वेशभूषा में जो आए हैं वो इसलिए आए हैं क्योंकि हमारी जिंदगी में भी ना कुछ ऐसा हुआ था जब हमने ना अपना दिल का सुना, और हमें ऐसा लगता है कि हमने अपना दिल का सुन के ना ये बिल्कुल ऐसा ही किया है। तो हम भी ये चाहेंगे कि तुम भी अपना दिल का सुनो, आंख बंद करके जो सवाल है पूछो और जो तुम्हारा दिल कहता है ना उसकी मानो। ठीक है सिस्टी? मौसी, अगर हम चाहें ना भी तो आपको परलोक सुधार दे, आपकी जिंदगी खत्म कर दे, लेकिन हम ऐसा करेंगे नहीं। आपके औरत होने का लिहाज कर रहे हैं, बस खाली हमको जाने दीजिए और मैडम जी का पीछा छोड़ दीजिए। अब हो गया, अब खून नहीं बहेगा, अब चलिए यहां से वरना वो गुंडा लोग आ जाएंगे। सिस्टी, अपना आंख बंद करो और अपने दिल का आवाज सुनो। लगता है मैडम जी इधर ही आ रही है। एसी ज्यादा तेज तो नहीं है ना? नहीं। ठीक है, आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप हमें बता दीजिएगा, हम बगल वाले रूम में ही हैं। गुड नाइट। ओके। आप जल्दी सो जाइएगा।
बैजू, सृष्टि जी गई है विशु के कमरे में। इसका मतलब यह है कि हमको घर और अपना प्यार छोड़ के जाना पड़ेगा। मैडम जी आप बैजू, ये जो कुछ भी हो रहा है हमारे लिए बहुत मुश्किल है। हमें सही गलत में फर्क समझ नहीं आ रहा है। हमें अपने मन के सवालों के जवाब ढूंढने हैं, इसलिए हम अकेला रहना चाहते हैं। हम उम्मीद करते हैं तुम हमारी बात को समझोगे। काहे नहीं समझेंगे, एकदम सही कह रही हैं आप, बिल्कुल समझेंगे। के साथ जिंदगी का रास्ता तय करने में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हैं और उन सारी मुश्किलों का जो है वो हम दोनों ने डटकर सामना भी किया है, लेकिन अब जो दुविधा सामने आया है ना, उसका कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा। हमारे तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे घर में खुशियां जो है वो अपने साथ मुसीबतें काहे ले आती है। आपकी परेशानी समझ रहे हैं श्रीमती जी, हम भी उसी मानसिक उथल पुथल से गुजर रहे हैं, पर हमें लगता है कि जीवन में बहुत से सवाल ऐसे होते हैं इनका जवाब सिर्फ समय देता है, या कह लीजिए कि समय के साथ ही मिलता है। ये भी शायद उन्हीं सवालों में से एक है। एक जवाब हमें को फिल्म में देख लेते, का नाम था वो फिल्म का? हाँ, एक फूल दू माली। और मेरा एकदम ही ऐसा के स्थिति था बुआ के अम्मा, बाकी वो फिल्म था ही सच्चाई है। सृष्टि फौजी बैजू भैया के साथ रहेगी कि विशु बाबू के साथ जाएगी, ये फैसला करने के लिए हमको लगता है कि ना शिव धनुष रखना पड़ेगा। अब यह सवाल है कि शिव धनुष आएगा कहाँ से? हाँ, रामलीला में से आ सकता है ना, और बीच में रख दिया जाएगा तब पता चलेगा। दुलारी, जुबान के ऊपर भगवान ने दिमाग दिया है, ताकि जुबान हिलाने से पहले दिमाग से सोच सके कि का कह रही हो। और हाँ, सृष्टि बौरिया की चिंता करने की तुमको कौनो जरूरत ना है, वो बहुत ही समझदार है, खुद ही अपना फैसला कर लेगी। अरे सृष्टि, तुम यहाँ? तुम छोड़ो, हम कर लेंगे ये सब। तुम वैसे ही थक गई होगी, तुम्हारा दिन कितना लंबा गया, चलो चलो आराम करो। हम कर बस हो गया रागनी, इसमें क्या है, इसमें कौन सी मेहनत की बात है। अब एक सेकंड, आ जाओ आराम कर लो। सृष्टि इधर आओ। तुम्हें पता है सृष्टि, इन दिनों हम कितना परेशान थे। एक तरफ बाबूजी के लिए हमारा लगाव, तो दूसरी तरफ जो है मिस्टर जी का प्यार, मिस्टर जी का हमें लेके परेशान होना भी सही है, और हमारा बाबूजी के लिए जो चिंता है वो भी सही है। ससुराल ऐसा लगता है ना कि जैसे दोनों पत्तों के बीच में जो है हम फंसे गए हैं, लेकिन जब हम तुम्हारा तकलीफ देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा मुश्किल तुम्हारा तकलीफ के आगे कुछ हो नहीं है। एक तरफ बैजू और दूसरी तरफ देवर जी, और दोनों ही अपनी जगह जगह सही है। तुम सही कह रही हो रागिनी, लेकिन हमने सब कुछ वक्त पर छोड़ दिया है। खैर, बहुत बहुत देर हो चुकी है, तुम सो जाओ, हम लाइट ऑफ कर देते हैं।
ये लेटर तुम्हारे लिए है। टेबल पर तुम्हारी टेबलेट रखी हुई है, पहले जाके उसे खा लो। तुम सो जाओ। मैं जानता हूँ तुम्हें और सृष्टि को बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन टाइम पर सो जाना क्योंकि तुम्हें आराम की जरूरत है। पार्टी वर्कर हमें काहे कॉल कर रहे हैं अभी? हेलो। अच्छा रुको, हम आते हैं, रुको। तो इन मजदूर लोग जो है हड़ताल पे जाने का सोच रहे हैं। हाँ, पर बात ये है रागिनी जी कि जो अपोजिशन पार्टी वाले हैं ना, वो इस बात का मुद्दा विधानसभा में उठा करके राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं। ससुरा बताओ, मजदूर लोग तो हमारे सबसे बड़े वोटर हैं, कुछ करना पड़ेगा हमको। आप एक काम कीजिए, आप ठहरिए, हम जो है ना, हम कुछ सोचते हैं। हम अभी हाथ दिखो। मिस्टर जी, आप एक मिनट आते हैं। हाँ। मिस्टर जी, आप इतनी रात में कहा है ना कि हमको काल आ गया था, तो ये बात मुझे तुमसे पूछनी चाहिए कि तुम रात को यहाँ 2 बजे क्या कर रही हो? प्रेग्नेंट तुम हो। तुम जानती हो कि इन सब चीजों से तुम्हारी तुम्हारी हेल्थ पे कितना बुरा असर पड़ेगा? आप एकदम 100% करेक्ट है मिस्टर जी, लेकिन एक मिनट, बस एक मिनट, एक मिनट में आया हमें। आप लोग एक काम कीजिए ना, आप मजदूर लोगों को जो है हिम्मत दीजिए, उनको बताइए कि जो फैक्ट्री होती है वो मजदूरों से चलती है, मालिकों से नहीं चलती है। बिल्कुल। हाँ, और उनकी जो भी मांग है उससे हम सहमत हैं और हमारी पार्टी उनके लिए लड़ेगी, उनको बोनस भी दिलवाएगी और उनका जो शिफ्ट के जो घंटे हैं वो भी कम करवाएगी। एक बात ना अच्छे से ध्यान रखना, ये बात जो है ना, ये हमारे हाथ से निकलनी नहीं चाहिए, समझे? बिल्कुल। ये तो हमसे बुरा ना कुछ नहीं होगा, पीछे के रास्ते से चले जाइए। चलिए मिस्टर जी, अब चलिए। मतलब मैं यहाँ पे बकबक कर रहा हूँ और तुम अपने पार्टी के कामों में लगी हो। तुम्हारी नजरों में मेरी कोई अहमियत है या नहीं है मिस्टर जी? है, बहुत अहमियत है, और अपने जान से भी ज्यादा ना आप हमारे लिए जरूरी है, और आपके गुस्से में ना हमें हमारे लिए प्यार और हमारे लिए फिक्र साफ दिखाई दे रहा है। मिस्टर जी, थोड़ा इमरजेंसी आ गया था ना, इसलिए हमें जाना पड़ा, लेकिन और ये देखिए छोटे ठाकुर मेरा प्यार अलग तरफ है रागिनी,
और गलत बात के लिए गुस्सा अलग तरफ है। गुड नाइट।